गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वाइस चांसलर की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। मेरी ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूं। मेरी वजीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने की कोई बात नहीं हुई। समरी में सब कुछ लिख दिया है। आईनी अदालत तरमीम बारे हम हुकूमत के साथ हैं। जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी हलफ लेकर नाम बताएं। मेरे पास किसी ने 2 करोड़ रुपए नहीं भेजे, जिसको भेजे हैं उसी से पूछें। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। और समरी में मैंने सारा कुछ जो है वो उस हवाले से लिखा है कि मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी बात हुई कोई वाइस चांसलर लगाने की, ना मैं कोई वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। मैं तो हलफ पे कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ही कोई नहीं है किसी को वाइस चांसलर लगाने के। मुझे तो पता ही नहीं है किसने उन्हें 2 करोड़ भेजा था। जिसको भेजा था वो बता सकता है कि मुझे किसने भेजा था। अगर देखे मुझे किसी ने भेजा होता तो मैं फिर बताता कि फलां ने भेजा। मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। जब कोलिशन गवर्नमेंट में है तो हम उनके साथ हैं। जो ये आईनी तरमीम है इसमें पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वाज़ह मौकफ है।